Hello, my dear students. How are you all? You all are fine, right? This side, your teacher Swati Singh from SS Convent School, Phupiamo Pratapgarh. So, let's start today's class, students. Open your computer books, Inspiring Computer by Mayank Garg, right? तो हम लोगों ने कितना कर लिया था, हमारा चैप्टर वन का पूरा रीडिंग हो गया था, है ना? दो क्वेश्चंस थे जो आपको होमवर्क मिले थे, राइट? वन वाज एमसीक्यू एंड वन वाज मैच द फॉलोइंग, राइट? यस, चलो क्विकली डिस्कस करते हैं. सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. फर्स्ट वन, ऑल इनपुट एंड आउटपुट स्टोरेज डिवाइसेस आर नोन एज, ये आपको पता ही है, पेरिफेरल्स की डेफिनेशन ही है, इनपुट आउटपुट और साथ साथ जो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम पेरिफेरल्स की कैटेगरी में रखते हैं, राइट? तो उनको हम पेरिफेरल्स कह सकते हैं, राइट? नाउ ट्रैक बॉल इज एन ऑल्टरनेटिव ऑफ, अब ट्रैक बॉल आपने भी पढ़ा था, राइट? इधर ही देखते हैं, सी इन इनपुट डिवाइसेस हमने ट्रैक बॉल के बारे में पढ़ा था. हेयर तो ट्रैक बॉल किसका ऑल्टरनेटिव है, माउस का, राइट? सो आप सबने आई होप सही आंसर टिक किया होगा, राइट? माउस. देन द फुल फॉर्म ऑफ ओ एम आर, तो फुल फॉर्म ऑफ ओ एम आर क्या है, ओ एम आर यूज़ किस में होता है, याद है ना? जब हम ओ एम आर शीट्स में जब आंसर्स जो चेक करते हैं उन्हीं के लिए ओ एम आर, मतलब ऑप्टिकल मार्क रीडर, राइट? सो येस, हेयर इट इज, ठीक है. फोर्थ वन, अ लार्ज नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन्स ऑफ सेम हाइट इज नोन एज, उनको हम बार कोड कहते हैं, और जो इनको रीड करता है उसे हम बार कोड रीडर कहते हैं, ठीक है. सो या तो हम नन ऑफ दीज कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे बार कोड तो था नहीं, या फिर आप क्या करो, रीडर कट कर दो, बार कोड, ओके, येस. नाउ अब क्योंकि यहाँ पे मतलब मिस्टेक्स हो रखी है ना, जैसे यहाँ पे भी प्लैटर्स लिखा था तो प्लॉटर्स होगा, PLOTTERS, ओके. सो प्लॉटर्स आर ऑफ कितने टाइप्स, आप ही बताओ, हमने पढ़ा था. सो टू टाइप्स, राइट? इस पर टिक किया है, यू कैन सी इट, राइट? नाउ और कौन सा होमवर्क था, ये मैच 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 द फॉलोइंग में, जिसमें आपको कॉलम्स मैच करने थे. सो कॉलम ए, कॉलम बी, तो माउस किसके साथ मैच करोगे, क्लिक साउंड. देन प्रिंटेड कॉपी किसके साथ मैच करोगे, हार्ड कॉपी. मॉनिटर किसके साथ मैच करोगे, VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट. देन लेज़र प्रिंटर एक्सपेंसिव होते हैं, बार कोड वर्टिकल लाइंस होती हैं, और MICR क्या होता है, मैग्नेटिक इंक, राइट? नाउ लेट्स मूव ऑन टू आर एक्सरसाइज, तो जो कि बी पार्ट है जिसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, चलो करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज अ पेरिफेरल डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस क्या होती है, गिव एग्जाम्पल ऑफ सम पेरिफेरल डिवाइसेज, और कुछ एग्जाम्पल दीजिए, राइट? चलो करते हैं. सो स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी कंप्यूटिंग पेरिफेरल्स, नेम ऑफ चैप्टर, देन बी आंसर वन, ठीक है. आपको क्वेश्चन आंसर प्रॉपरली लिखना है. सो इन कंप्यूटिंग टर्मिनोलॉजी, पेरिफेरल डिवाइसेज आर द डिवाइसेज विच आर कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड, है ना? पहला पार्ट तो यही हो गया, जिसमें क्या पता था पेरिफेरल डिवाइसेज कौन सी होती हैं, तो पेरिफेरल डिवाइसेज वो डिवाइसेज होती हैं जो जो मतलब मदरबोर्ड से कनेक्ट की जाती हैं, ठीक है. सो इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, पेरिफेरल डिवाइसेज आर द डिवाइसेज विच आर कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड, और एग्जाम्पल क्या हो गया, कीबोर्ड, माउस, क्योंकि आपको भी पता है इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज, स्टोरेज डिवाइसेज सब किस में आती हैं, पेरिफेरल में, ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज अ स्कैनर, मैंशन द टाइप ऑफ स्कैनर्स अवेलेबल, स्कैनर क्या होता है और कितने टाइप के स्कैनर्स अवेलेबल हैं, चलो देखते हैं. स्कैनर इज एन आउटपुट डिवाइस, स्कैनर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस विच स्कैन्स टेक्स्ट, फिगर्स, पिक्चर्स एक्सेट्रा, जो कि क्या स्कैन करता है, टेक्स्ट को, फिगर्स को और पिक्चर्स को, और उनको स्कैन करने के बाद क्या करता है, कन्वर्ट देम इनटू अ डिजिटल फॉर्म, उनको कन्वर्ट कर देता है एक डिजिटल फॉर्म में जो कि कंप्यूटर समझ सकता है, दैट इज़ अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, राइट? और कितने टाइप के स्कैनर होते हैं, फ्लैट बेड स्कैनर एंड रोलर फेड स्कैनर, राइट? सो फ्लैट बेड स्कैनर एंड रोलर फेड स्कैनर आर द टू टाइप्स ऑफ स्कैनर्स अवेलेबल, ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज मेंट बाय हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी, तो हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी से क्या मतलब है, चलो करते हैं. सो द आउटपुट विच इज, ठीक है, द आउटपुट यहाँ पे अब ऊपर विच इज भी लिखिएगा, मतलब यहाँ पे मैंने ऊपर लिख दिया, द आउटपुट विच इज ऑब्टेन्ड ऑन द वीडियो, वीडियो मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट, हमारा मॉनिटर, कीप्स ऑन चेंजिंग, वो हमेशा चेंज होता रहता है, एंड इज नॉट अ परमानेंट रिकॉर्ड, वो कोई परमानेंट रिकॉर्ड है नहीं, एंड इट कैन नॉट बी टच्ड, और उसको टच भी नहीं कर सकते हो, है ना, जो उसमें है उसको नहीं, आप तो स्क्रीन टच करते हो, ना कि उस मतलब जो उसमें सॉफ्टवेयर वो है, इज कॉल्ड एज सॉफ्ट कॉपी, इसी और जिस इसी को हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, ठीक है. नाउ नेक्स्ट था हार्ड कॉपी क्या होती है, तो जो प्रिंटेड कॉपी होती है वही हार्ड कॉपी होती है. सो द प्रिंटेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट
पिक्चर्स ड्राइंग एट्सेट्रा ऑन पेपर, मतलब प्रिंटेड कॉपी किसकी, डॉक्यूमेंट की, पिक्चर की, ड्राइंग की, या कोई भी चीज़ जो हमने पेपर पे प्रिंट कराई हो, इज़ नोन एज हार्ड कॉपी, उसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं. सो हियर सॉफ्ट कॉपी की डेफिनेशन ऊपर और ये है हार्ड कॉपी की. ओके, यस. सो स्टूडेंट्स, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं डिस्कस.